चलो आज हम मिलाते हैं आपको आयुर्वेद के अमृत से। इसका बॉटनिकल नेम फाइलेंथस एम्बलिका है और इसकी फैमिली है यूफोरबियासी। तो हम आंवले को आइडेंटिफाई करेंगे तो इसकी जो लीव्स है वो अल्टरनेटली अरेंज्ड होती है और इसको अपन बहुत इजीली जान सकते हैं। इसको जब हम अपोजिट साइड करते हैं तो इसके रैचेस पे छोटे छोटे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी पिक्यूलरिटी है। इसको हम वृत्त फला के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा फ्रूट है वो वृत्त की साइज का होता है, इसलिए इसको वृत्त फला बोलते हैं। इसको तिश्य फला भी बोला जाता है क्योंकि हमारा एक मास होता है तिश्य मास, उसके अंदर इसकी फ्रूटिंग होती है, इस वजह से इसको तिश्य फला भी बोला जाता है। और इसको कोलम भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्रूट है उसका एवरेज वेट 6 ग्राम का होता है, इसलिए इसको हमें कोलम बोला जाता है। इसको हम अमला बोलते हैं क्योंकि ये मल को दूर करने का काम करता है। इसको अमृत फला और अमृता भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे अमृत के समान हमारी बॉडी के ऊपर ये वर्क करता है। इसको वैश्या भी बोला जाता है क्योंकि ये लॉन्गेविटी बढ़ाने का काम करता है। इसको वृश्य भी बोला जाता है क्योंकि ये शुक्र को बढ़ाने का काम करता है। और इसको शीतबलम भी बोला जाता है क्योंकि ये इसका जो वीर्य है वो शीत होता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, चरक ने इसको कुष्ठग्न वर्ग में रखा है, कासर वर्ग में रखा है, विरोचनोपग वर्ग में रखा है, ज्वरहर वर्ग में रखा है और व्यवस्थापन वर्ग में रखा है। अब बात करें सुश्रुत ने इसको पुष्यकादि वर्ग में रखा है, आमलकादि गण में रखा है और त्रिफला में रखा है। भाव प्रकाश निकंटु के अंतर्गत ये हरितिकादि वर्ग में आता है। रस पंचक की हम बात करते हैं, इसमें 5 रस प्रेजेंट होते हैं लवण को छोड़कर, और इसका जो गुण होता है लघु रुक्ष और सर गुण होता है। वीर्य में यह शीत होता है और इसका जो विपाक है वो मधुर होता है। चरक के अकॉर्डिंग इसका आग्रह कर्म है आम्लकम व्यय स्थापना नाम, तो ये व्यय स्थापन के अंदर बेस्ट ड्रग है। दोष कर्म की बात करें तो ये त्रिदोष हर है। वात हर इसलिए है क्योंकि ये अम्ल रस इसमें प्रेजेंट है, और इसके पित्त हर ये इसलिए है क्योंकि ये शीत वीर्य है और इसका मधुर रस इसमें प्रेजेंट है, और कफ हर इसलिए है क्योंकि ये कषाय रस है और रुक्ष गुण है। आमिक प्रयोग की बात करें तो प्रमेह में इसका यूज आंवला का जो स्वरस है वो लिया जाता है हरिद्रा डालकर। ज्वर में आंवला के स्वरस को घी के अंदर फ्राई करके देना है। पांडु के अंदर जो आंवला का चूर्ण है वो हनी के साथ दिया जाता है। कामला में आंवला का जो स्वरस है वो मृद्विका के साथ दिया जाता है। रक्त पित्त में आंवला का जो चूर्ण है एज ए विरेचन द्रव्य के रूप में दिया जाता है। आंवला के जो चूर्ण है उसके अंदर मधु और शर्करा ज़्यादा अमाउंट में मिलाकर एज ए विरेचन द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो इसमें जो चूर्ण है वो 3 से 10 ग्राम, कषाय 30 से 100 ml, स्वरस 10 से 20 ml। और इसके फॉर्मुलेशन की बात करें तो आम्ल की कषाय, आम्ल की रसायन, आम्ले अवलेह, आम्ले की क्वाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अब अगले ड्रग्स में।